हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर रेसिपीज़ चैनल। आज हम बनाते हैं कोकोनट बिस्किट। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं कोकोनट बिस्किट। सबसे पहले हमें एक बाउल लेना है। बाउल में 1/4 कप घी लेना है और 1/4 कप शुगर पाउडर लेना है। अभी हम इसे मिक्स करेंगे, अच्छी तरीके से इसे फेंट लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ फेंट के रेडी हो चुका है। अब इसमें 1/2 कप हम व्हीट फ्लोर डालेंगे रिफाइंड, और 1/4 कप इसमें कोकोनट पाउडर डालेंगे जो बाज़ार में मिलता है वो वाला। इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें अब हम 2 टेबलस्पून मिल्क डालेंगे, फिर से मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें हम 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा एंड 1 टीस्पून वेनिला एसेंस, ये ऑप्शनल है, आपके पास हो तो आप डाल सकते हो। अभी इसे हम इसका डो बना लेंगे, इस तरीके से इसका डो बना लेंगे हम। सॉफ्ट डो होना चाहिए, यहाँ पे डो रेडी है, आप देख सकते हो। अभी छोटा छोटा पीस लेना है और इस तरीके से करना है जिस तरीके से मैं करती हूँ, इस तरीके से प्रेस करना है। आपके पास कुकी कटर हो तो उससे भी आप शेप दे सकते हो, मेरे पास नहीं है तो मैंने हाथ से ही दिया है इस तरीके से। और उस पर शेप लगाने के लिए मैं इस छलनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरीके से बहुत अच्छा डिज़ाइन इस पर आ गई है, आप देख सकते हो। अब इसके ऊपर की साइड जो है वो कोकोनट पाउडर में डिप कर लेंगे और रख देंगे। ऐसे ही हमें इसको बेक करना है। सारे बना लूँगी मैं, इस तरीके से मैं सारे बना लिए हैं। अभी हम बेक करेंगे इसको। बेक करने के लिए कढ़ाई लेना है, कढ़ाई में हमने सॉल्ट डाला है, इस पर ढक्कन रखे हम 10 मिनट हाई गैस पे होने देंगे। उसके बाद स्टैंड रख देंगे, उस पर प्लेट रख देंगे और फिर से 20 मिनट्स हम मीडियम गैस पे होने देंगे। और होने के बाद इसे 15 मिनट्स के लिए बाहर रखना है सेट होने के लिए। और 15 मिनट्स के बाद हमारे जो कोकोनट कुकीज़ है वो रेडी है, आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया हो चुका है और बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, अच्छे बने हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छी लगी तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।